डिफरेंशिएशन में कवर कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10th भी तो कर लिया था। तो आज हम यहां पर 11th क्वेश्चन से कवर करेंगे। 11th वाला जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालें इसका कैसा रहेगा, dy by dx माइनस 5 sin x और माइनस 3 cos x, ठीक है। जो प्रूफ लाना है यहां पर, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी निकलेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग cos साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब यहां पर माइनस 5 तो कांस्टेंट है, साइन का जो डेरिवेटिव होगा ये कॉस एक्स हो गया, और माइनस 3 यहां पर कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा 3 साइन एक्स। अब एक काम कर लेना है वो ये कि यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, जब आप यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो आप देखोगे यही मिलेगा, क्या मिलेगा, वाई। तो यहां पर माइनस कॉमन निकालना, ये पूरा वाई बन जाएगा, उसको उधर ले जाना, ठीक है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन निकालने के बाद यही पूरा वाई बनेगा, और ये आ गया है इसका प्रूफ। वाई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर जो इसका प्रूफ था ये हमने देखा, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो निकालने के बाद यहां पे ये पूरा पूरा वाई का फंक्शन बन गया, जिसे हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, और इसी से ही हमारा प्रूफ आ गया। लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होगा, तो जहां पर पॉसिबल नहीं होगा वहां पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसमें इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दें, y की पुट कर दें, पूरा सॉल्व करके यही मिल जाएगा, जो राइट हैंड साइड थी दैट इज जीरो। लेकिन ये सीधे ही आ गया कॉमन निकाल के, क्योंकि पूरा y फंक्शन ही बन रहा था। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कवर हुआ है, स्टार्टिंग बहुत सिंपल सी हुई है आज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। y is equal to cos inverse x, second derivative निकालना है in terms of y alone, मतलब जो second derivative हम निकालेंगे, ये second derivative हमें y के terms में निकालना होगा। तो y दिया है cos inverse x, इसका first derivative तो निकाल दो। cos inverse x का derivative होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे इस फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर और होल पावर माइनस का 1/2 बना दिया। अब मैं यहां से सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड करूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x की पावर n हम इसे कंसीडर करेंगे, x की पावर n, और ये क्या होता है n, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन, माइनस हाफ माइनस वन कितना आएगा, माइनस का 3/2। अब जो हमने इसे x कंसीडर करा, इसका भी तो डेरिवेटिव निकालोगे, और जब इसका डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। ये 2 कर लो कैंसिल, यानी जो फाइनल हमें मिलेगा ये मिला माइनस एक्स अपॉन
वन माइनस एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन टू। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ वाई, ये तो एक्स के टर्म्स में आया, तो क्या करेंगे अब लास्ट में हम एक्स की वैल्यू को निकालकर इसमें रिप्लेस करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी कॉस वाई, लगाइए यहां पर एक्स की जगह कॉस वाई लगाओ, तो ये हम कर रहे हैं वैल्यू को रिप्लेस, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव y की टर्म्स में निकालना था, तो माइनस x की वैल्यू आएगी cos y, यहां पे हमने लगा दिया भैया 1 माइनस cos स्क्वायर y, कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी साइन क्यूब में लिख दूं, अब साइन क्यूब को स्प्लिट कर लो, साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट, और एक जो वन अपॉन साइन स्क्वायर रह जाएगा उसे चेंज कर लेना, किसमें कर सकते हैं चेंज उसे हम, तो माइनस कॉट वाई और वन अपॉन साइन स्क्वायर जो रह जाएगा इसे चेंज कर लेंगे कोसेक में, तो ये जो आंसर आया ये आया है सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर वाई की टर्म्स में नहीं निकालना होता तो ये आंसर आ चुका था, क्योंकि पूछा गया निकालना है तो इसलिए हमने जो है निकाल दिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 13 जो क्वेश्चन है दैट इज वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, और जो इसका प्रूफ लाना है वो देखिए आप, इस प्रूफ में आपको दिखेगा y2 y1, मैं लिख दूं प्रूफ जो लाना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जो y2 और y1 है ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव को हम y2 से भी डिनोट करते हैं, तो y2 का मतलब यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव से है और y1 का मतलब है यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx से। क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब करो सॉल्यूशन, फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाला ही जाए, थ्री कॉन्स्टेंट कॉस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा बना, अब थीटा का मतलब लॉग एक्स है, इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा वन अपॉन एक्स, यहां पर लिख दे रहे हैं फोर, यहां पर कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा बना कॉस थीटा, और यहां पर फिर से जो थीटा है इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो ये हमने निकाला है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जरा पॉइंट समझें, अब मान लो इसके आगे हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो ये अपॉन एक्स, मतलब इसमें हमें लगाना पड़ेगा क्वोशेंट रूल, इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा क्वोशेंट रूल, काफी लंबे लंबे स्टेप होंगे लेकिन सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा,
तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड आ गया, यहां पे लगाएंगे सबको, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव वाई की वैल्यू पूरा सॉल्व करोगे जीरो मिल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो ये तरीका मैंने बताया, ऐसी अगर हम प्रोसीड करते रहे तो आंसर आ सकता है, बस स्टेप बहुत ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है और इसी मेथड को आप फॉलो करना, बहुत आसानी से आंसर आएगा। उस कंडीशन में यहां पे आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे, फिर यहां पे पुट करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे। तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखिए राइट हैंड साइड में हमें 1/x कॉमन मिल सकता है, यहां से हमने 1/x कॉमन निकाल दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल समझ लो, नीचे से जो x था वो हमने हटा के यहां मल्टीप्लाई कर लिया, या पूरी इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, x हट जाएगा। तो जब हम यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, x dy by dx माइनस 3 साइन log x और प्लस 4 cos log x, इस वाले स्टेप के बाद ही आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ऐसा करने पर इधर पे क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा, x यहां पे मल्टीप्लाई हो गया है, इसमें केवल प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल लगाना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चन रूल। तो अब हम यहां पे लिख दें अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम x की रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले स्टेप से, देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या डिनोट कर रहा है, x और dy by dx, ये भी तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, dy by dx इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगा प्रोडक्ट रूल, कैसे लगेगा, x dy by dx का डेरिवेटिव, dy by dx का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, और x का डेरिवेटिव कितनी आसानी से हुआ डिफरेंशिएट। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, लॉग एक्स का फिर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 3 कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, 4 कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस 4 साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहने वाली है, फिर तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड साइड से माइनस 1/x को कॉमन निकाल दो। इसे कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या रह जाएगा, 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस 4 साइन log x, और ये पूरा हम y से रिप्लेस कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, हा ये दोनों माइनस थे ना, x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, बोलो यार, प्लस dy अपॉन dx, और ये पूरा y बन गया, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस y अपॉन x। अब तुम्हें क्या करना है, इस x को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर y को यहां पे ले आना है, तो x को यहां पे हम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, x स्क्वायर इंटू
सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस, ठीक है, जब एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां पर माइनस का वाई रह जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव को y2 से डिनोट करा है, इसकी जगह y2 लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से डिनोट करा है, इसे y1 लिखो। तो कितनी आसानी से इसका प्रूफ आ गया। तो ऐसे ही करना है और इसके लिए स्टेप याद रखना है, ध्यान करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले x को इधर भेजना पड़ेगा। ओके बेटा, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एम एक्स और बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करना है प्रूफ? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा, क्योंकि इस प्रूफ में दोनों की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अभी निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ए कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, और इस एक्स को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एम एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इनटू एम। फिर यहां पर बी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर एन एक्स इंटू एन। आ गया बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो एक लाइन और लिख के इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, एम ए ई एम एक्स एन बी ई एन एक्स। तो ये आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एम ए तो ऐसी रहेगा बेटा, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स होगा, और एम एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा, फिर से एम आएगा, मैं इसे एम स्क्वायर बना दे रहा हूं। इसी तरह से जब इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा ये इतना ही मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। देखिए अब यहां पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा जैसे हमने क्वेश्चन करे थे उसमें, हमने इसी को सॉल्व करके प्रूफ ले आए थे, लेकिन यहां पर ऐसा बनता हुआ बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम कुछ कॉमन भी तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, कुछ नहीं करना है, ये दिख रही होगी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एलएचएस, सारी वैल्यू लगा दो एलएचएस में, टेकिंग एलएचएस, और इस एलएचएस में सारी वैल्यू लगा देनी है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये मैंने लगाई, एम स्क्वायर ए ई की पावर एन एक्स एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद माइनस एम प्लस एन, और अब लगा दो डी वाई बाई डी एक्स, एम ए ई की पावर एम एक्स एन बी ई की पावर एन एक्स। फिर यहां पर एम एन ऐसी रहेगा, और अब लगा दो y की वैल्यू, ये रहा y, a
एमएक्स बी ई एन एक्स, बस इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। देखो बेटा बिल्कुल साफ दिख रहा है ये माइनस एम स्क्वायर, इतना इससे कैंसिल, फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन स्क्वायर इतना इससे कैंसिल, फिर जो टर्म बनेगी वो एम एन और ये एम एन वाली बनेगी जो यहां पर इससे कैंसिल आउट। तो मल्टीप्लाई कर लो इस ब्रैकेट को, सारी टर्म यहां पर कैंसिल आउट हो रही हैं और आराम से आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी जो यहां पर हमें दे रखी है जीरो के इक्वल। क्लियर या नहीं? ठीक है, तो सारी टर्म्स यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगी और आराम से मिल जाएगा जीरो राइट हैंड साइड। नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। y इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ई की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x एंड शो दैट सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y। dy अपॉन dx बहुत आराम से आएगा, 500 e की पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव 7 और इसी तरह यहां पर ये 600 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां पर ये 500 जो है ना कांस्टेंट है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स हुआ, इस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 7 फिर बनेगा और पहले से 7 था यानी 49। अब यहां पर 600 जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 होगा, माइनस 7 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 49। अब क्या करो, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 49 को कॉमन निकाल दें, तो यहां पर कॉमन निकालने के बाद आंसर आ गया या नहीं आया? अभी तो 49 जब आप कॉमन निकालेंगे ये पूरा आपको y मिलेगा और आंसर आ चुका है इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 16। e की पावर y 1 इज इक्वल टू 1 एंड शो दैट सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। अब जो फंक्शन दिया है ये ऐसा नहीं है कि हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा।
ई की पावर वाई को हम नीचे ले जाएं तो वन अपॉन ई की पावर वाई बनेगा, और इसको ऊपर ले जाएं ई की पावर माइनस वाई बनेगा। सिंपल डिफरेंशिएट हम इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे काम कर रहा हूं आसान बनाने के लिए। e की पावर y मैंने फाइंड करा, 1 अपॉन x प्लस 1 आएगा, और यहां पर जो है दोनों साइड log लगा दिया, टेकिंग log बोथ साइड। जब इसमें log लगेगा तो ये log x की पावर n log x, यानी y नीचे आएगा, तो log लगाने के बाद y log e, और बेटा जब हम यहां पे log लगाएंगे तो क्या होगा, log a upon b बना, और log a upon b क्या होता है, log a log e बताया था मैंने, 1 होता है, log 1 होता है 0, तो log e जो है इसकी वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, कितना मिला, y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1, इतना जरा सा फंक्शन रह गया। अब यहां से हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, और इसके बाद हमें फाइंड करना है बेटा सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्वेश्चन रूल मत लगाना, इसे ऊपर ले जाना, होल पावर माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, तो होल पावर माइनस 1 का मतलब है n और x की पावर n माइनस 1, इस x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन तो जब हम पूरा सॉल्व करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 का हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। और एक काम करते हैं, बताएं क्या, इसे हम माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, dy by dx, तो इसे जब हम dy by dx से रिप्लेस करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो मिलेगा हमें इसका आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एनी डाउट बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और जो प्रूफ करना है वो देखिए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, y2 का मतलब है वही सेकेंड डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमें फंक्शन दिया है और ये जो प्रूफ करना है वो दिया है, क्लियर बेटा।
तो एक काम पहले समझ लो, उसके बाद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो उसमें। डी वाई बाय डी एक्स को निकालो, उसके बाद लगेगा दिमाग। डी वाई बाय डी एक्स तो सिंपल ही है, वहां तक कुछ नहीं करना है। तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स की पावर एन बन रहा है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव एन, एक्स की पावर एन माइनस वन यानी टू माइनस वन। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये टेन इनवर्स एक्स है। तो हमने क्या करा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया, जो आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम सेकंड डेरिवेटिव बेटा निकालें तो फिर से वही दिक्कत, राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन रूल। तो इससे बचने के लिए हमने वन प्लस एक्स को जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को यहां पर कर देना है मल्टीप्लाई, और अब आपको यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव फिर डी वाई बाय डी एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो टू एक्स आएगा। राइट हैंड साइड में देख लो, इसे डिफरेंशिएट करना है, टू कॉन्स्टेंट है और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस इस वन प्लस एक्स स्क्वायर को कर दो यहां पे मल्टीप्लाई। तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और ये टू जो रह जाएगा इसे ले आओ यहां पर, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। जो प्रूफ लाना था वो आ गया, देखिए यही था ना, बस केवल सेकंड डेरिवेटिव की जगह हमें वाई टू लिखना होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन से रिप्लेस करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था इसके ऊपर कॉस लॉग एक्स साइन लॉग एक्स वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो भी इंपॉर्टेंट था। देख लो, कोई डाउट अगर इसमें है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। है कोई डाउट बेटा? तो डिफरेंशिएशन क्योंकि हम कवर कर रहे हैं, बाकी टॉपिक इसमें हम बाद में कवर करेंगे, इसलिए अब हम मिसलेनियस पे आ गए हैं और इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन है इन्हें कवर करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये पूरे फंक्शन को हम यहां पर अगर x मान लें तो ये x की पावर n बन रहा है, और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n माइनस वन यानी 9 माइनस वन क्या हो जाएगा बेटा 8, और हमने इसे x माना तो इसका भी तो डेरिवेटिव दोबारा निकलेगा। जब हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बन रहा है 6x माइनस 9, आंसर आ गया
समय बच रहा है तो 9 से इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अपने आप ही कर लेना। सेकंड क्वेश्चन और देख ले बेटा इसका, तो मिसलेनियस का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये इस तरह से है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स और होल पावर 6। देखिए जो यहां पर साइन क्यूब एक्स है इसका यही तो मतलब है, साइन एक्स का क्यूब और इसका क्या मतलब है, कॉस एक्स की पावर 6। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या होगा, ये दोनों यहां पर एक्स की पावर एन बन रहे हैं और एक्स की पावर एन का मतलब क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, 3 से पावर 2 हो गई। हमने एक्स लेकिन साइन को कंसीडर करा था तो इसका भी डेरिवेटिव निकलना चाहिए और साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। इसी तरह यहां पर डिफरेंशिएट कर लो, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 पावर 5 रह जाएगी और जब कॉस का डेरिवेटिव होगा तो कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स। क्लियर या नहीं? अब इसके बाद यहां पे आगे और सॉल्व कर लें, कॉमन निकल रहा है ये तो 3, यहां से कॉमन निकाल लो, साइन एक्स कॉमन निकलेगा, कॉस एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा साइन एक्स माइनस 2 कॉस पावर 4x। क्लियर बेटा? एनी डाउट? कोई डाउट है यहां तक किसी का? ओके okay.